हेडिंग कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, और हमने ये भी समझा था कि जो टेबल की हेडिंग होती है वो क्या होती है, वो एक सिमेंटिक एलिमेंट है जिसका हमें स्क्रीन पे थोड़ा सा चेंज नज़र आता है, लेकिन वो बोल्ड करके दिखा रहा होता है जस्ट उसको, और ज़रूरी नहीं है कि हर ब्राउज़र उसको बोल्ड करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ आपका ये B9, और ये हमारी टेबल है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इस टेबल को जो हमने बना कर देखा था, इसको ज़रा चला लेते हैं ब्राउज़र पे कि ये किस तरह का दिख रहा है। ये कुछ इस तरह का दिख रहा है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, इसी के नीचे मैं इसी के नीचे मैं एक और टेबल बनाना चाहता हूँ। अगर इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, एक्चुअली मैं कहता हूँ H2 और ऑडिटोरियम टाइम टेबल। सही है, ऑडिटोरियम का टाइम टेबल है ये हमारे, जो ये हमारा वाला ऑडिटोरियम है। अच्छा, इसमें मेरे पास क्या केस है, बल्कि इस पूरे को मैं फ्रॉम स्क्रैच बनाता हूँ। मुझे चाहिए TRA का, इसमें टाइमिंग होगी, कितने बजे शुरू होती है सर आर्मी क्लासेस? 8 बजे शुरू होती हैं, सुबह 9 बजे होती हैं बल्कि, तो 9 PM से लेके 10 PM मैं इसमें TD करके लिखूँगा मैं, राइट? सही है, ऐसे TD करके लिखूंगा मैं। तो मुझे ये चाहिए। अच्छा, इसी को मैं फिर मल्टीप्लाई करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई ये जितनी टाइमिंग है ना सारी यहाँ पे लाइन से आ जाए। तो कुछ इस तरह से ये बन गया है मेरे पास। तो 9 PM से शुरू होगा ये और पूरा रात 11 बजे तक ये जाएगा। हाँ, 9 AM से जाएगा ये। तो चलो जल्दी से इसको सजाते हैं हम। 9 AM से लेके 10 AM, और फिर उसके बाद 10 AM, 2 घंटे का होगा। नौ बल्कि 11, दो दो घंटे का स्लॉट है। सही है, तो सुबह 9 से 11 सुबह से शुरू हो जाती है यहाँ पे क्लासेस। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने कहना है कि भाई 10 AM से लेके 11 AM ये अगला स्लॉट है। ठीक है, या इसको सिंपल रखने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ। सही है, 9 AM 10 AM, मतलब 9 AM का मतलब है कि 9 AM 9:01 से लेके 9:59 तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9 AM। ठीक है, फिर 10 AM है, फिर हमारे पास इसी तरह 11 AM। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 12 AM, 12 PM हो गया अब एक्चुअली। सही है, 12 PM के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 PM, और 1 PM के बाद 2 PM। सही है, उसके बाद हम कर देंगे इसको 3 PM, उसके बाद हम कर देंगे 4 PM। हमें पूरा रात 11 तक जाना है। उसके बाद 5 PM, और 5 PM के बाद हमने कहा कि 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM। ठीक है, तो ये पूरा 11 तक कर दिया हमने। ये तो 5 सही था, हमने कहा 6, हमने कहा 7, हमने कहा 8, हमने कहा 9, और हमने कहा यहाँ पे 10 और 11। सही है, 11 PM पे जो है क्लास होती है, यानी 11:01 से लेके 11:59 तक वो यहाँ पे लास्ट क्लास होती है। फिर रात को 12 बजे फिक्स यहाँ पे जो ख़त्म होती है क्लास, फिर अगले दिन सुबह शुरू होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक पहली रो बन गई हमारे टेबल की। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक अदद और ऐसी TR चाहिए जिसमें मैं क्या लिखूँगा, टीचर का नाम। सही है, टीचर का नाम नहीं बल्कि यहाँ पे बाहर एक लगा हुआ है ना, हमारे पास टाइम टेबल लगा हुआ है बाहर। सॉरी, ये डेज होंगे एक्चुअली यहाँ पे। यस, इस जगह पे डेज होंगे। मैं असल में बताना ही चाह रहा हूँ कि पूरे वीक में किस टाइम पे क्या क्लास होती है। तो वहाँ शायद जो ऐसे वाला है वर्टिकल, उसके अंदर डेज होंगे। तो मैंने कहा कि सैटरडे SAT, सैटरडे, बल्कि मंडे से स्टार्ट होता है ना दिन हमारा, मंडे
ट्यूसडे वेडनेसडे, अभी हम आते हैं इसके ऊपर। वेडनेसडे में एक ऐसा होता है, दो होता है, वेनसडे के बाद ट्यूसडे कैसे ला रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे और उसके बाद फ्राइडे और उसके बाद सैटरडे और संडे को भी यहाँ पे क्लासेस होती हैं। अच्छा टी आर में डायरेक्ट तो डेटा नहीं लिखते हम, एक्चुअली यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, एक अदर मुझे यहाँ पे एक अदर टी डी लिखना था, ऐसा ही सही भाई, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके यहाँ पे दिन भी सजा दिए। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या हुई है, इस जगह पे 9 एम आ गया और उसके नीचे से मंडे स्टार्ट हो गया, तो मुझे यहाँ पे एक खाली बॉक्स भी चाहिए होगा, इसका मतलब है। तो मैं शुरू में आता हूँ, यहाँ पे एक खाली बॉक्स बना देता हूँ, सही है। तो ये हो गया, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे और ये सारे यहाँ पे टाइम स्लॉट्स आ गए। अब मुझे बीच में क्या करना है, कोर्सेज बनाने हैं कि कौन सा, जैसे आपकी जो क्लास होती है वो कब होती है, 6 से 8 होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 PM से लेके 7 PM तक, यानी 7 का मतलब है कि 7:59 तक आपकी क्लास होती है, तो इन दोनों में मुझे क्या करना है, एक बॉक्स बना देना है जिसमें मैं क्या लिख दूंगा, मेरा नाम लिख दूंगा और वेब एंड मोबाइल लिख दूंगा कि सर इंजमाम की क्लास होती है वेब एंड मोबाइल। तो ये काम मैं कैसे करूँगा, कौन बताएगा ये काम कैसे करूँगा मैं? सबसे पहले तो मैं मंडे जिसमें लिखा हुआ है ना उस वाली रो में आऊँगा पहले तो। अच्छा मुझे कितनी रो छोड़नी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेल छोड़ के और मुझे 10 और 11 सेल के अंदर डेटा लिखना है अपना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये मंडे वाला जो है ना रो, मेरे पास मंडे वाली रो के अंदर मैं क्या करूँगा, एक टी डी बनाऊँगा ऐसे, और कितने मुझे 9 सेल छोड़ने थे, तो 9 टी डी में ब्लैंक छोड़ूंगा, जाहिर है जब भी तो मैं 10वें पे पहुंचूंगा। तो मैंने इसको कॉपी किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां है, इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, ये लो थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, वैसे ये देखने का सीन है भी नहीं है, तो मैं बताता जा रहा हूँ ना, ऑडियो क्लास चल रही है आपकी, ये सही है सर इंजमाम। और उसके बाद मैंने क्या बोला कि वेब एंड मोबाइल, ठीक हो गया, ये लिखा हुआ आ गया सर इंजमाम वेब एंड मोबाइल। अच्छा मुझे इसको अगर 2 लाइनों में करना है, मैं चाह रहा हूँ कि सर इंजमाम ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, वेब एंड मोबाइल नीचे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, बी आर का इस्तेमाल यहाँ पे करूँगा मैं, ठीक है बी आर का इस्तेमाल कर लिया मैंने। अच्छा अब मुझे क्या करना है कि ये जो 6 PM पे है ना, इसको मुझे 7 PM पे भी करना है यही सेम चीज़। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूँगा, इस टी डी को मैं डबल कर दूँगा तो वो अगले पे भी आ जाएगा, 6 PM पे भी आ गया 7 PM पे भी आ गया, दोनों पे आ गया। लेकिन इस काम को करने का एक बेहतर तरीका है हमारे पास HTML में, दैट इज़ कॉल्ड कॉल स्पैन। मैं बोलूँगा इस वाले को मैं डिलीट करूँगा वापस, 7 PM वाले को मैंने डिलीट कर दिया वापस से, ये सिर्फ एक है अभी 6 PM वाला। अब इसको मैं क्या करूँगा, कॉल स्पैन बोलूँगा 2, तो ये क्या ले लेगा, ये वाला सेल 2 कॉलम के अंदर अपनी जगह ले लेगा, यानी कॉलम के उसमें 2 कॉलम इस पकड़ लेगा ये। तो आते हैं हम इसके ऊपर, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ कॉल स्पैन और मैं बोलता हूँ 2, तो ये कॉल स्पैन इसने 6 वाला भी पकड़ लिया 7 वाला भी पकड़ लिया, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे 8 बजे से लेके शायद 9 बजे तक सर कासिम की क्लास होती है, ठीक है, तो अब मुझे वो वाली चीज़ लिखनी है। अच्छा ऊपर क्या क्लासेस होती हैं वो मुझे पता नहीं है, तो वो भी क्योंकि 2 घंटे की होती है तो इसमें भी कॉल स्पैन में लिखूँगा 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सर कासिम, और गालबन वो डेटा साइंस की क्लास है, सही है सर कासिम डेटा साइंस, ये 8 बजे से लेके 9 बजे तक हो गई, यानी 8 वाला भी पूरा आवर और 9 वाला भी पूरा आवर, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो मैंने ये खाली बॉक्सेस बनाए हुए हैं इतने सारे,
मैं अगर चाहूँ तो बजाय इतने सारे बॉक्सेस बनाने के ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, तो बजाय मैं नौ बॉक्सेस बनाने के ये सबको डिलीट करके अगर एक ही बॉक्स में मैं लिख देता कॉल स्पेन 9, तो ये क्या कर लेता, ये नौ के नौ उसमें जगह ले ली इसने एक ही डब्बे में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। अब 10 से 11 किसकी क्लास होती है मुझे वो नहीं पता। फिर ट्यूसडे में भी हमारे पास क्या है, ट्यूसडे में भी हमारे पास सेम चीज़ है। अब बाकी क्लासेस का मुझे नहीं पता। चलो एक और हम कर लेते हैं कि यार इससे पहले जो है सर हैदर की क्लास होती है, ये भी मुझे पता है। तो सर हैदर की मोस्ट प्रोबेबली किससे होती होगी, 4 बजे से लेके और 6 बजे तक होती होगी, यानी 4 PM वाला पूरा आवर और 5 PM वाला पूरा आवर। अच्छा, तो मैं इससे पहले भी एक बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार इससे पहले भी एक बनाओ, और यहाँ पे क्या कर दो सर हैदर, और वेब एंड मोबाइल है ये भी इनका भी, सही है। अच्छा, अब हुआ क्या, ये 6 PM से पकड़ लिया इसने, क्योंकि कॉल स्पैन इस वाले में क्या लगा हुआ था, 9 लगा हुआ था। तो मैं 2 कम कर देता हूँ, मैं 7 कर देता हूँ इसको, ताकि थोड़ा पीछे आ जाएगा, सही है। तो ये हो गया। अब हमारे पास केस क्या है, ये चलो 3 क्लासेस स्ट्रीमलाइन हो गई, ये मुझे पता है कि भाई 3 क्लासेस होती हैं, ये आगे और पीछे की मुझे पता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके नीचे ना BR लगाऊँ टेबल के, ये ऊपर तक स्क्रॉल नहीं हो रहा ना ये, ठीक है। टेबल को मैं यहाँ तक स्क्रॉल करके लाना चाह रहा हूँ तो वो आ नहीं रही थी, क्योंकि आपको प्रोजेक्टर पे जाके ना ये अच्छे से दिखे, सही है, बेटर है। ये मंडे को हो गया 6 PM वाली क्लास। अच्छा, अब मेरी अगली क्लास कौन से दिन होती है, वेनसडे को होती है। तो अब मुझे क्या करना है, वेनसडे के अंदर यही वाला काम अब करवाना है मैंने। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा सर हैदर की भी क्लास वेनसडे को होती है अगली, और मेरी भी अगली वेनसडे को ही होती है। तो मैं सेम काम यहाँ पे करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये तो ट्यूसडे को आ गया, ये ट्यूसडे में नहीं करना था मैंने, कंट्रोल जेड वेनसडे में करना था। तो ये ट्यूसडे को छोड़ के वेनसडे में आ गया। अच्छा, ऑन अदर एंड सर कासिम की जो क्लास है ना, वो हम इमेजिन कर लेते हैं, वैसे मुझे नहीं पता, हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये मंडे और ट्यूसडे दोनों को होती है, ठीक है, ये और वेनसडे को भी होती है, 3 दिन कंटिन्यूस होती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऊपर वाले को और नीचे वाले को मैं मर्ज करके एक बना सकता हूँ, जैसे एक्सेल शीट में होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं आऊँगा, ये नीचे वाला जो है ना सर कासिम, इसको गायब करवा दूँगा, ठीक है, नीचे वाला गायब करवा दिया मैंने। अब ऊपर वाले को मैं रो स्पैन बढ़ा सकता हूँ उसका, जब मैं इसका रो स्पैन बढ़ाऊँगा तो क्या होगा, मैं बोलूँगा 2 तो ये 2 रो में अपनी जगह ले लेगा, 3 बोलूँगा तो 3 रो में अपनी जगह ले लेगा, ठीक है। तो मैं इसको रो स्पैन आगे कर देता हूँ कि 3 है, आप यहाँ पे मैं इसको कॉल स्पैन 2 है और साथ में रो स्पैन मैंने कहा 3, तो ये पूरा नीचे तक आ गया, ठीक है। अब इस तरह आपने क्या करना है, जो बाहर यहाँ पे टाइम टेबल यही वाला एग्जैक्टली यही टाइम टेबल बाहर लगा हुआ है यहाँ पे, ये आप लोगों ने फ़ोटो लेनी है उसकी जाके, या कोई एक बंदा ग्रुप में शेयर कर देना, वो आपने पूरा बनाना है एग्जैक्टली जैसा उसमें बना हुआ है, ठीक है। और ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए एक नज़र में देख के बंदे को समझ में आ जाए। वो दूसरा बन गया ना अब तो, डिस्कशन वाला, उसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दिया मैंने, उसमें ज्वाइन हो जाओ, उसमें मैंने एडमिन भी 3-4 अलग अलग बिठाए हैं, कोई भी मैसेज मारोगे ठक करके डिलीट होगा वो, सही है। तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन कोई उल्टी बात करेंगे तो वहाँ एडमिन मौजूद है। यहाँ तो कोई नहीं था ना, यहाँ तो मैं कभी देखता था कभी नहीं देखता था, वहाँ पे बहुत एक्टिव लोग मौजूद हैं, और आप में से भी मैं कुछ लोगों को जो एक्टिव होते हैं ग्रुप में, अब मैं उनको बाद में, और जो तमीज़ वाले लोग हैं उनको एडमिन बना दूँगा एक दो को, सही है। तो कड़क है वहाँ पे बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे ख्याल कीजिएगा कि वहाँ पे ये तो बैज 9 है ना आपका, इससे पहले बैज 8, बैज 7 और पता नहीं दूसरे सेक्शंस के सारे स्टूडेंट उसमें मौजूद हैं, तो और वहाँ पे बहुत सारे सीनियर भी लोग मौजूद हैं। हाँ, बैज 8 के उसमें लड़के हैं, और उसमें कुछ मेरे दोस्त वगैरह भी हैं जो यहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो प्रोफेशनल्स हैं। तो वहाँ पे जो है ना, बिल्कुल भी किसी से भी बदतमीज़ी करने से पहले ना आप सोचिएगा 100 दफ़ा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप अगला इंटरव्यू देने जाए ना तो वही बंदा बैठा हुआ सामने, ये मैं आपको सीरियस बिल्कुल बात बता रहा हूँ। और वहाँ पे कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंस वाले लोग भी हैं उसमें, वो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि नाम नहीं हर बंदे ने लिखा होता, तो वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस वाले भी लोग हैं, तो वो ऐसे लोग हैं कि अगर उन्होंने कह दिया ना कि इस बंदे को काम आता है तो बस वही सर्टिफिकेट है आपका कि इस बंदे को काम आता है, वो आपको रेफ़र कर सकते हैं कि यार
क्योंकि ज़ाहिर है जब आप मार्केट में होते हैं तो आपको पता होता है कि कहाँ पे बंदे की नीड है, तो वो कहेंगे यार ये ग्रुप में ये बंदा है ना, इसको आप कॉल करो, इसको उठा लो, सही है। तो ये वाला सीन है, तो वहाँ पर बहुत सोच समझ के और बिल्कुल तमीज़ से। अच्छा एक बात और, उस ग्रुप से अगर एक बार रिमूव हो गया ना, इस वाले से भी जो अभी एडमिन ओनली था, इसमें से कुछ लोगों को मैंने रिमूव किया है, तो वो दोबारा ऐड होंगे ही नहीं। वो एक ही लिंक है, उसमें व्हाट्सएप में ये बिल्ट इन सिस्टम है कि जिस लिंक से आप ज्वाइन हुए ना, अगर आपको रिमूव कर दिया गया तो उस लिंक से दोबारा आप ज्वाइन नहीं हो सकते फिर, ये उसमें बिल्ट इन सिस्टम है। तो वो एक ही लिंक मैं दूंगा दोबारा, वो काम ही नहीं करेगा आपके लिए, ये वाला सिस्टम है उसके अंदर बिल्ट इन है। वेल तो ये आपको कॉल स्पैन और रो स्पैन ये दोनों समझ आ गया। अच्छा एक सेल के अंदर एक वक्त में आप कॉल स्पैन लगा सकते हैं या रो स्पैन लगा सकते हैं या दोनों भी लगा सकते हैं। जैसे ये सर कासिम वाले पे मैंने क्या लगाया हुआ है, कॉल स्पैन और रो स्पैन दोनों एक साथ लगा दिए, ठीक है। तो दोनों एक साथ भी लग सकता है। इसी तरह ये मैंने कंप्लीट नहीं किया अभी टेबल, इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ये जो दो टॉपिक था जो बुक में आपके यहाँ पे डिस्कस हुआ है, कहाँ गई बुक, ठीक है। ये तो टेबल हेडिंग था ना, ये रहा, हाँ ये स्पैनिंग कॉलम और स्पैनिंग रो। क्या हो गया भाई, ठंडा हो गया। अच्छा अब आगे यहाँ पे क्या डिस्कस हुआ है, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे ज़रा ख्याल रखना भूल गए हम, कि ये जो मंडे है ये क्या है, हेडिंग है ये, है ना। मंडे जो है वो क्या है, हेडिंग है। किसके लिए हेडिंग है, इस रो के लिए हेडिंग है, सही है। अच्छा इसी तरह जो 4 PM है वो हेडिंग है इस पूरे कॉलम के लिए, ऊपर से लेके नीचे तक ये जो कॉलम है इसके लिए ये हेडिंग है। तो इसमें हमें सिमेंटिक एलिमेंट्स का ख्याल रखते हुए इसको हेडिंग बनाना चाहिए। तो ये जितने भी मंडे 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 हैं ना, इसको हम क्या कर देते हैं आगे, इसको हम TH बना देते हैं, सही हो गया। चलिए तो ऊपर पहुंच गया, ये बहुत ज़्यादा जूम इन हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। अच्छा एक तो ये खाली जो ऊपर टॉप पे है ना, ये भी क्या होगा, ये भी TH होगा, ठीक है। जो टॉप पे इस तरफ ये खाली है ना, ये वाला, ये भी TH होगा, सही है। अब उसके बाद ये जो हमारा मंडे है, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे सैटरडे राइट, ठीक है, इनको मैंने क्या करना है, TH बनाना है, सही है। तो इन सबको मैंने क्या बना दिया, TH बना दिया इन सबको। अच्छा इसी तरह ये 9 AM 10 PM ये सब क्या है। अच्छा इसमें वो TH तो बना दिया मैंने, साथ साथ मैंने एक काम और भी तो करना है, इसमें इसका वो लगाना है, स्कोप लगाना है, ठीक है। स्कोप इसका क्या है, रो है, ठीक है। तो ये मंडे का जो स्कोप है ये रो है, सब पे मैंने लगा दिया। अच्छा अब उसके बाद ये 11 PM 10 PM जो है ना, इन पे मैंने क्या लगाना है, ये भी जो है वो क्या है, TH है, और इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप कॉलम है, सही है। ऊपर से नीचे की तरफ है ये हेडिंग। तो ये सिमेंटिक एलिमेंट्स लगा दिए इसके ऊपर हमने, और स्पैन करके ये हमने टेबल बाकायदा तैयार कर ली। अच्छा आ जाते हैं जी, अब अगले टॉपिक पे, अपने अगला टॉपिक हमारा क्या है इसमें, लॉन्ग टेबल्स। यस बॉक्सेस बने जा रहे हैं, कौन सा सेल अलग दिख रहा है, ये वाला, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा, सिंगल कॉलम डबल कॉलम क्या मतलब, ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इस ये वाला जो हमारा रो है इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है, और ये ट्यूसडे वाला जो रो है इसकी लंबाई कम है, ये तो कंटेंट की वजह से, बिल्कुल हाँ। अच्छा ये बॉर्डर स्टाइल है, ये वाला जो बॉर्डर आप कह रहे हो एक आया दो ना आया, ये बॉर्डर स्टाइल है, ये बॉर्डर स्टाइल अभी CSS में जब हम जाएंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे हम बॉर्डर स्टाइल कौन कौन से होते हैं। अच्छा ये डिफॉल्ट पे है, इसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है। ये सॉलिड ब्लैक मैंने लिखा हुआ है लेकिन ये इस तरह नहीं लगेगा, ये लगेगा ऐसे बॉर्डर स्टाइल। ये पता नहीं, बहरहाल ये CSS की फाइल से बेहतर है आप लगाएं, इस तरह से लगाना मुनासिब नहीं है, सही है। ये 1 PX बस बताया मैंने, स्टाइल इसने डिफ़ॉल्ट पकड़ा हुआ है। वेल अभी हम आगे क्या पढ़ रहे थे, लॉन्ग टेबल्स। अच्छा लॉन्ग टेबल्स का क्या सीन होता है कि हम इसमें ना एक हेडर और एक फूटर बनाते हैं, सही है।
हम इसमें एक हेडर और एक फूटर बनाते हैं। तो जब आपका जो टेबल है वो मल्टीपल पेजेस पे जब रिपीट होता है तो हेडर और फूटर वो अपनी जगह रहते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे आपकी टेबल में 55,000 रो हैं, आपकी टेबल में 55,000 रोज हैं। अच्छा, तो जब 55,000 रो मतलब बहुत ही लंबी टेबल है, उसमें एक हेडर होगा एक फूटर होगा। जब वो मल्टीपल पेज, जाहिर है एक पेज पे कितने रोज दिखा देंगे आप, 100 दिखा देंगे, 200 दिखा देंगे, उसके बाद अगला पेज होगा। तो जो ऊपर और नीचे का आपका जो हेडर और फूटर है ना, वो हर पेज पर रिपीट होता है। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ पे एक लॉन्ग टेबल का ना एक एग्जांपल बना कर दिया है, इसको हम ज़रा कॉपी कर लेते हैं इसी को ही, और इसको कॉपी करके हम चलाने की कोशिश करते हैं। और आपको ओहो क्या है ये, इसका कॉपी क्यों नहीं होता सही तरह, ये हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक लॉन्ग टेबल बनाने लगा हूँ, इस टेबल के बाद H2 लॉन्ग टेबल एग्जांपल, सही है। लॉन्ग टेबल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब इस लॉन्ग टेबल में आप नोट करें, टेबल का टैग स्टार्ट है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूँ इसको, ये टेबल का टैग स्टार्ट है और ये नीचे जाके क्लोज हुआ हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ हुआ है। अच्छा, टेबल का टैग स्टार्ट होते ही फौरन इसके अंदर रो नहीं है बल्कि इसके अंदर एक टी हेड है। ये देखो, हेड को मैं क्लोज करूँगा, ये हेड है और उसके अंदर फिर उसी तरह की टेबल है जैसे हुआ करती थी, सही है। तो एक रो को इन्होंने बोला कि एक रो जो है ना उसको आप कंसिडर कर लो कि वो हेडर है, और उसमें कुछ बात लिखी हुई, हेडिंग लिखी हुई, एक्चुअली वो हेडिंग हुई हुई लिखी हुई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आप, अगर ये आप हेडर नहीं लगाते हैं टेबल में, तो जब आप अगले पेज पर पहुंचोगे तो क्या होगा, ऊपर हेडिंग नहीं होगी, डायरेक्ट डेटा होगा। तो आप बोलोगे यार ये क्या है, इसको मैं पहचानूं कैसे कि कौन सा वाला कॉलम क्या है, ठीक है। तो तीन चीज़ें इसमें, डेट, इनकम और एक्सपेंडिचर, पता नहीं क्या मतलब होता है इसका। तो वेल, हम इमेजिन कर लेते हैं कि कोई तीन डेटा पॉइंट्स हैं कि डेट के हिसाब से उसकी इनकम है, डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। तो पहले पेज पे तो सही आपको दिख रहा है कि यार ये वाली डेट है, ये वाली इनकम है, ये वाली एक्सपेंडिचर है, लेकिन आप जब 4-5 पेज आगे चले जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि पहला वाला इनकम है या दूसरा वाला इनकम है, होता है ना, जहन से उतर जाता है। तो आपके पास सामने हेडिंग होनी चाहिए, तो ये वाली हेडिंग हर पेज पे रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो इसको हम एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद टेबल की बॉडी है, बॉडी में वो एक्चुअली लंबा वाला पार्ट होगा जो कि 2000 रो या 55,000 रो जो भी आपकी है वो यहाँ बीच में होगी टेबल रो पे। अच्छा, लास्ट में एक टेबल फूटर भी है। अच्छा, टेबल फूटर की हमें हर दफ़ा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कुछ केसेस में हम ये करते हैं कि जो ऊपर टॉप वाली हेडिंग होती है ना वही हम फूटर पे भी लगा देते हैं, कुछ केसेस में हम ऐसा करते हैं, ठीक है, ताकि जब 200 रो बंदा स्क्रॉल करता है ना, जाहिर है 200 रो सिंगल स्क्रीन पे नहीं आ सकती, तो जब ऊपर वाली जगह पर हो तो ऊपर की हेडिंग स्क्रीन में शामिल हो, जब नीचे आ जाए तो नीचे वाली हेडिंग स्क्रीन में शामिल हो, तो उसको दिखता रहे कि कौन सा वाला है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको वो दिखाऊँ ना, जो मैं आपको विकिपीडिया की कोई टेबल दिखाना चाह रहा हूँ, असल में विकिपीडिया में ना इन्होंने इन टेबल्स को बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, इसमें वर्जन हिस्ट्री वगैरह जहाँ पर होती है ना, हाँ ये देखो, ये वाली जो इनकी टेबल है ना जहाँ पे वर्जन हिस्ट्री बताते हैं, साइनोजिन मॉड एक एंड्रॉयड ओएस है, सही है। तो ये थर्ड पार्टी एंड्रॉयड ओएस है, जैसे आप कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, इस तरह अगर आपने फ़ोन में आप जो एक तो सैमसंग मोटरोला वाले करके देते हैं इंस्टॉल, उसके अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी करना चाहते हैं तो ये मौजूद है, ठीक है, बड़ा फेमस है ये, इसके अलावा भी और भी हैं बहुत सारे। तो मैं मतलब मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि जो मैं अपने फ़ोन में अलग से ये इंस्टॉल किया करता था। तो ये उसके विकिपीडिया का पेज है, उसमें ये बता रहे हैं कि कब कौन सा वर्जन रिलीज़ हुआ, क्या हुआ, सही है। तो वो बता रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई मेन वर्जन इसका जो है 1.3 से स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट, एंड्रॉयड का वर्जन उसमें क्या था, उसमें मेजर रिलीज़ का उसके वर्जन क्या था, उसकी डेट क्या थी, ठीक है, उसमें जो नोटेबल चेंजेस थी वो क्या थी, सही है। तो ये इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। अब मैं जब नीचे जाऊँगा ना तो ऊपर वाली हेडिंग तो गायब हो गई, नीचे यहाँ पे ना एक और हेडिंग भी आ रही होती है इनके कुछ केसेस में, ये शायद बहुत ही छोटी टेबल थी इसलिए इसमें नहीं पता चला। वेल, हम कुछ और खोल के देखते हैं, हम
ये आ गया ना विकिपीडिया। हाँ इसमें वो चीज़ आ रही है, देख रहे हो जो हेडिंग टॉप पे लगी हुई है ना वही सेम हेडिंग यहाँ पे बॉटम पे भी लगी हुई है, ठीक है। तो हेडर और फुटर का हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अगर हम हेडर फुटर का इस्तेमाल ना भी करें ना तो बॉटम पे हम हेडिंग वैसे भी लगा सकते हैं, जैसे हम पहले हमने बनाया था ना। अगर इस वाले केस में आओ तो यहाँ पे जो मैंने ऐसे हेडिंग टॉप पे लगाई है, मैं इसी तरह एक रो लास्ट में लगा के उसमें दोबारा TH लगा दूंगा तो भी ये चीज़ अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि ये टी हेड और टी फूट के बगैर ये हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ नहीं होगी, अगर आपने ये काम ना अगर आपने हेडर फूटर के अलावा किसी और तरीके से किया तो उसमें एक चीज़ नहीं हो पाएगी। अब वो क्या चीज़ है वो भी आपको मैं एक्सपीरियंस करके दिखाता हूँ कि वो क्या है। इसी में बल्कि करते हैं ना, प्रिंट के ऊपर वो नहीं आता असल में। सही है, मैंने प्रिंट का बटन दबाया, इसका तो प्रिंट ही सही काम नहीं कर रहा यार। खैर छोड़ो, इसका प्रिंट ही पता नहीं है उल्टा पुल्टा हो जा रहा है प्रिंट में ये। वेल अभी हम एक लंबी चौड़ी टेबल यहाँ पे ना खुद से डिजाइन करते हैं, खुद से बनाते हैं। अच्छा जी, हम इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। डेट और इनकम के साथ एक्सपेंडिचर क्या चीज़ होती है? एक्सपेंसेस। अच्छा अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि कितना आया और कितना गया। हाँ ये तो बड़ा सिंपल है यार। अच्छा तो अभी इसमें कितनी रो है मेरे सामने? एक रो, दो रो, तीन रो है। सही है, सिर्फ तीन रो है। तो मैं इसको क्या बनाने जा रहा हूँ? मैं इसको 300 रो बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने लास्ट वाले को पकड़ा और इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 300-400 रोज यहाँ पे बन के तैयार हो जाए। सही है, तो अब मेरे पास ये एक टेबल, एक लंबी चौड़ी टेबल बन चुकी है। अच्छा इसमें ऊपर एक हेडर लगा हुआ है और नीचे एक अदद फूटर लगा हुआ है। अच्छा अभी तो मैं जितना मर्ज़ी इसको लंबा कर दूँ, जाहिर है मेरा पेज क्योंकि स्क्रॉलेबल है, इसको मैं जितना मर्ज़ी लंबा कर दूँ वो तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसको मैं मज़ीद और भी लंबा कर दूँ अगर, तो मेरा पेज क्या है? मेरा पेज तो स्क्रॉलेबल है, तो इसमें तो कभी भी पेज चेंज होगा ही नहीं ना। एम एस वर्ड का डॉक्यूमेंट थोड़ी है कि अलग अलग पेज आएंगे, तो ये तो सीधा रहेगा हमेशा। लेकिन जब आप इसको करेंगे ना प्रिंट, कंट्रोल पी जब मैंने दबाया, प्रिंट किया इसको, तो आप ये नोट कीजिएगा इसमें कि यहाँ पे ना ये हेडिंग जो थी, ज़ाहिर है प्रिंट तो अलग अलग पेज पे होगा, ये दोबारा रिपीट हुई है यहाँ पे। सही है, और ये फुटर भी रिपीट हुआ है और ये हेडिंग फिर दोबारा रिपीट हुई है। सही है, ये फिर फुटर दोबारा रिपीट हुआ है, तो हर पेज पे हेडिंग अलग से डली हुई है। अच्छा ऑन अदर एंड अगर ये काम मैं नॉर्मल टेबल के ज़रिए करूँगा तो ये चीज़ अचीव नहीं होगी इसके अंदर। तो ये इसका पर्पस है हेडर और फुटर का, कि भाई ये प्रिंट जब करते हैं आप उसको तो ये रिपीट होता है और सिमेंटिक डिटेल भी उसको मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रिंट हो रहा हो, कोई और भी मशीन आके उसको रीड करेगी ना तो उसको पता चलेगा कि ये हेडर वाला पार्ट है, इसका मतलब है कि ये हेडिंग है और ये रिपीट करनी है। तो सिमेंटिक डिटेल भी उससे बहुत सारी मिल रही होती है, सिर्फ रिपीट होने तक का केस नहीं है इसका। वेल तो हमने ये डिस्कस कर लिया। ओके इसका सिंटैक्स कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक टी हेड और टी बॉडी करके इसमें एलिमेंट्स ऐड हो गए, आप इसको एज इट इज कॉपी करके चलाएंगे ये चलेगा, ठीक है। ये बात तुमने सही की है, जैसे हम एक्सेल के अंदर एक रो को फ्रीज कर देते हैं, ठीक है, ये काम हम CSS के ज़रिए अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं हम ये, ठीक है। लेकिन वो टेबल में नहीं होगा, अगर वो अलग से हम एक डिव लगा के ना एक हेडिंग लगानी होगी जो फ्लोटिंग होगी, फ्लोटिंग हेडिंग होगी, ठीक है। अभी हम इंशाल्लाह वो CSS की पोजीशंस जब पढ़ेंगे ना तो उसमें ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी एलिमेंट को अगर, अभी जैसे एलिमेंट क्या होता है, हम एक H1 लगाते हैं, उसके बाद हम जो चीज़ लिखते हैं उसके नीचे आता है, फिर उसके नीचे आता है, फिर उसके नीचे आता है, तो ऐसे टॉप टू बॉटम हमारा एक फ़्लो चल रहा होता है। तो इस फ्लो से हम किसी एलिमेंट को बाहर भी निकाल सकते हैं, हम बाहर निकाल के उसको बोल सकते हैं स्क्रीन के टॉप पे या राइट पे आप फिक्स हो जाओ, ठीक है। तो ये काम हम जब हम सीखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चीज़ को कैसे अचीव करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
अच्छा ये ओल्ड कोड है बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए और बैकग्राउंड लगाने के लिए, इसको हम फिलहाल इग्नोर करेंगे क्योंकि ये काम सारे हमने CSS के ज़रिए करना है। अच्छा यहाँ पे ये टेबल का चैप्टर ख़त्म हो गया, इसकी समरी थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं। टेबल एलिमेंट्स इज यूज टू ऐड टेबल टू द वेब पेजेस। टेबल के एलिमेंट्स हम किसी भी वेब पेज के ऊपर टेबल बना सकते हैं। अ टेबल इज ड्रॉ आउट रो बाई रो, ईच रो इज क्रिएटेड विद TR एलिमेंट। अच्छा इसमें हम जो HTML में टेबल बनाते हैं उसमें रो वाइज वो बन रही होती है, एक एक रो हम बनाते जाते हैं और टेबल बनती जाती है। कॉलम हम नहीं बनाते, हम बनाते हैं रो, ठीक है। तो जब रो बनेगी ऐसे ऐसे करके तो वो कॉलम खुद ही विजिबल हो जाएंगे। इन साइड ईच रो देयर आर नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेड बाई TD यानी टेबल डेटा। हर रो के अंदर उसमें सेल्स होते हैं जिसको हम सेल को कैसे बताते हैं, TD करके बताते हैं। अच्छा यू कैन मेक सेल ऑफ अ टेबल स्पैन मोर देन वन रो और कॉलम यूजिंग द रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। अगर हम चाहें तो किसी भी सेल को हम ऐसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली डबल करवा सकते हैं, ठीक है, उसका स्पैन हम एक बढ़ा सकते। अच्छा स्पैन किस चीज़ को कहते हैं भाई, जन अंग्रेजी में स्पैन किस चीज़ को कहते हैं, कब पता है किसी को? ये कहते हैं ना स्पैन ऑफ लाइफ, अंग्रेजी में है? मैं भी लिखता हूँ गूगल पे। स्पैन जहाँ तक मुझे पता है एक बालिश को कहते हैं। ऐसे डेफिनेशन लिख के करोगे ना तो आएगा। लेंथ ऑफ अ टाइम एक्चुअली एक्सटेंड फ्रॉम साइड ऑफ साइड द फुल एक्सटेंड ऑफ समथिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब शुरू से लेके आखिर तक का जो दौरानिया है ना उसको हम स्पैन कहते हैं। हाँ तो बालिश को क्या कहते हैं यार फिर? उसको भी स्पैन ही कहते हैं शायद, तो बालिश ही है, उसको पता ही नहीं है बालिश क्या होता है। बालिश कहते हैं ना इसको जो ऐसे यूं नापते हैं, बित्ता, जो बित्ता कहते हैं बालिश कहते हैं। बालिश मीनिंग नहीं पता चल रहा भाई गूगल को। बालिश मीनिंग उर्दू पॉइंट वालों ने लगाया हुआ है। पिलो, पिलो तो तकिए को कहते हैं, ये क्या लगा दिया इसका, तकिया तकिया बता रहा है ये तो। वेल ऐसे बोलते हैं ना दे हैव कंप्लीटेड देयर स्पैन ऑफ लाइफ के मतलब अभी इनका दौरानिया ख़त्म होने वाला है, अभी आखिरी आखिरी टाइम चल रहा है। तो स्पैन कहते हैं किसी भी चीज़ की मुद्दत को, या एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक का कोई स्पेस है उसको कहते हैं। वेल तो स्पैन बढ़ाना मतलब उसका दौरानिया बढ़ा रहे हैं, कॉल स्पैन का मतलब कॉलम्स में बढ़ा रहे हैं उसके दौरानिए को, और अगर रो स्पैन का मतलब है कि रो में बढ़ा रहे हैं उसके दौरानिए को। अच्छा जी फॉर लॉन्ग टेबल्स यू कैन स्प्लिट द टेबल इनटू THead TBody एंड TFoot। अगर लॉन्ग टेबल है तो आप उसमें हेडर फूटर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो जब डिफरेंट पेजेस पे स्प्लिट हो तो वो रिपीट हो हेडिंग साथ साथ उसके। तो यहाँ पे जी हमारा ये टेबल का जो चैप्टर है ना वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा हमारा टाइम भी थोड़ा सा कंप्लीट हो गया, लेकिन हम 2-4 मिनट और लेंगे ना फॉर्म्स वाला जो चैप्टर है उसका इंट्रो कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फॉर्म को ज़रा अच्छे से पढ़ेंगे फिर। अच्छा फॉर्म जो होता है ना भाई, हमारे पास डेटा यूज़र से कलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 पूरा इस पर बात हो रही है, तो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस होगा कि हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर, ठीक है। अच्छा ट्रेडिशनली द टर्म फॉर्म हैज़ रेफर्ड टू अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट कंटेन स्पेसेस टू फिल इन इंफॉर्मेशन। हम जब फॉर्म का जिक्र होता है हमारे सामने तो हमारे जहन में एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आता है जिसमें जगह छोड़ी हुई होती है कि आप वहाँ पे अपना डेटा फिल करें, सही है। अच्छा तो इस तरह का कुछ इसने स्क्रीन पर देखें बनाकर बताया हुआ है कि भाई इस तरह का कुछ होगा फॉर्म ना, आपने अक्सर देखा होगा, सब आप लोग डेली इंटरनेट के यूज़र हैं तो ऐसे फॉर्म आपने कई दफ़ा देखे होंगे। तो कह रहे हैं कि द बेस्ट नोन
form on the web is probably the search box that sit in the middle of Google's homepage. Google.com पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एक बीच में एक सर्च बॉक्स बना हुआ होता है, उसमें कुछ भी लिख के आप सर्च करते हैं. तो कह रहा है कि शायद सबसे बेस्ट वेल नोन जो फॉर्म है जिसको सब लोग ही जानते हैं वो ये वाला फॉर्म है. ठीक है, इस फॉर्म में सिर्फ एक ही कॉलम है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं आप और सबमिट कर देते हैं. अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आपके जहन में जो भी क्वेश्चन होता है वो आप लिखते हैं ऑब्वियसली, या कोई वर्ड लिखते हैं जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, इंटरनेट पे क्या मौजूद है उसके मुताबिक वो जानना चाहते हैं, तो कोई भी बात आप उसमें लिख के सबमिट कर देते हैं तो वो सर्वर पे पहुंच जाता है. अच्छा, ये फिर क्या होता है, जब भी आप कोई बात फॉर्म पे लिखते हैं और सबमिट का बटन दबाते हैं तो वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन उठ के जाता है किसी ना किसी वेब सर्वर पे, और वहाँ से पलट के जो है वो डेटा आपके पास रिटर्न आता है. अच्छा, अभी हमने सर्वर्स नहीं पढ़े, हम सिर्फ फ्रंट एंड अभी पढ़ रहे हैं. तो हम जो फॉर्म्स बनाएंगे इस पूरे अभी क्लास में, अपने अगले 2-3 क्लासेस में, तो वो डमी फॉर्म्स होंगे एक्चुअली. ठीक है, वो फॉर्म का जब हम सबमिट का बटन दबाएंगे तो पीछे किसी सर्वर पे वो नहीं जा रहा होगा, वो जस्ट हमारे पीसी के अंदर ही होगा जो भी होगा. इंशाल्लाह फिर हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हम उस डेटा को मज़ीद अब कैसे इस्तेमाल करना है, फॉर्म सबमिशन पे क्या करना है. मिसाल के तौर पे एक फॉर्म होगा जिसमें दो कॉलम्स होंगे, एक में लिखा हुआ होगा फर्स्ट नंबर, एक में लिखा हुआ होगा सेकंड नंबर, और नीचे सबमिट की जगह पे लिखा हुआ होगा सम. अब आप उस पर क्लिक करें तो उन दोनों वैल्यूज़ को उठाए प्लस करके स्क्रीन पर प्रिंट करवा दें, काइंड ऑफ दैट. तो एटलीस्ट इतना हम करना शुरू करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट में पहुंचेंगे. फिर इंशाल्लाह जब हम सर्वर्स पढ़ेंगे ना और डेटाबेस पढ़ेंगे तो फिर हम बाकायदा ये सीखेंगे कि यहाँ पे से जो डेटा यूज़र ने लिखा है उसको यहाँ से उठा के सर्वर पे भेजें और सर्वर से वहाँ डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, और बाद में फिर उससे कुछ कैलकुलेशन हम करवाएं. जैसे यूज़र अगर साइन अप हो रहा है तो बाद में हम उस यूज़र को क्वेरी करके भी ला सकें डेटाबेस से. तो ये सब कुछ फॉर्म से कनेक्टेड है, ये थ्रू आउट द करियर ये फॉर्म आपके साथ साथ चलेगा. ठीक है, ये फॉर्म कभी भी ख़त्म नहीं होगा. छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन आप उठाकर देखें, उसके अंदर यूज़र से डेटा कलेक्ट किया जाता है किसी न किसी फॉर्म में. ठीक है, चाहे वो इन हाउस चलने वाली एप्लीकेशन हो, चाहे वो ऑनलाइन पब्लिकली चलने वाली एप्लीकेशन हो. पब्लिकली चलने का मतलब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप वगैरह, इस तरह की चीज़ें. इसमें भी जब व्हाट्सएप पर आप साइन अप करते हैं तो आपसे एक फॉर्म में डेटा लेता है. वो कब लेता है डेटा और क्या डेटा लेता है? फ़ोन नंबर लेता है सबसे पहले, उस पर फिर OTP भेजता है, वो OTP आप देना पड़ता है, वो भी एक फॉर्म है. फिर उसके बाद नाम और फोटो वाला एक फॉर्म खोल देता है वो. ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके लेता है डेटा, तो आपको लगता नहीं है कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं. तो इसमें भी हम वो तरीके डिस्कस करेंगे कि फॉर्म को ऐसा कैसे बनाया जाए कि थोड़ा थोड़ा करके हम डेटा लें, यूज़र को पता ना चले कि वो बहुत ज़्यादा डेटा फिल कर रहे हैं. ठीक है, लंबे फॉर्म्स अब कोई भी फिल करना नहीं चाहता है. ठीक है, इसी तरह इन हाउस चलने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे यहाँ पे एक अटेंडेंस की मशीन लगी हुई जिसमें सारे स्टाफ अटेंडेंस लगाते हैं, तो उस मशीन में भी आप थंब लगाते हैं जब, तो अटेंडेंस होती है, उस पर साइन अप करना होता है पहले. ठीक है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस है, वहाँ पे साइन अप होता है, नाम लिखना पड़ता है और ID लिखनी पड़ती है, फिर उसको एग्जांपल देना पड़ता है कि ये है वो थंब जो आपको रोज़ मिला करेगा, तो फिर वो समझ जाता है कि अच्छा ही. तो एक एक्चुअली साइन अप का प्रोसेस परफॉर्म होता है पहले, उस साइन अप करने के बाद ही जब आप थंब लगाते हैं तो उसको समझ आता है कि ये कौन बन रहा है. अगर साइन अप नहीं किया, डायरेक्ट जाके कोई थंब रखेगा रैंडमली, तो वो बोलेगा नॉट रिकग्नाइज कि ये बंदा मौजूद नहीं है. ठीक है, तो ये इनपुट का जो प्रोसेस है ये हर तरह के सॉफ्टवेयर में होता है. अच्छा, तो यहाँ पे इसने ये बात कर दी. अब डिफरेंट फॉर्म कंट्रोल्स हैं. हमारे पास टेक्स्ट इनपुट लेने के लिए हमारे पास इस तरह के कुछ फॉर्म हैं. टेक्स्ट इनपुट हो सकता है, पासवर्ड इनपुट हो सकता है. इनपुट बॉक्स को हम कहेंगे टेक्स्ट इनपुट है तो वो इस तरह का कुछ बनेगा स्क्रीन पर. अगर हम कहेंगे पासवर्ड इनपुट है तो हम इस तरह का कुछ देखेंगे स्क्रीन पर, जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो वो नज़र नहीं आएगा, स्टैरिक बना हुआ है. और एक टेक्स्ट एरिया होगा, टेक्स्ट एरिया जो है वो मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट इनपुट लेने के काम आता है. अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास मेकिंग चॉइसेस, यूज़र से जब हमें उसकी सिलेक्शन पूछनी होगी तो हमारे पास रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं और ड्रॉप डाउन होता है. कौन मुझे बता सकता है कि रेडियो बटन कहाँ पे इस्तेमाल होगा? सिंगल चॉइस के लिए. मिसाल के तौर पे अगर मैं बंदे से पूछ रहा हूँ, वो कोई गाड़ी खरीदने के लिए फॉर्म फिल कर रहा है, कोई गाड़ी की बुकिंग करवा रहा है, तो उसको मैंने बोला है कि भाई 3 कलर्स अवेलेबल है इस गाड़ी में, तो वो एक वक्त में, मैं ये चाहता हूँ कि वो एक ही कलर सेलेक्ट करे, दो नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, वो ये नहीं कर सकता कि भाई रेड भी कर ले, ब्लैक भी कर ले, तो फिर तो ये दो गाड़ियाँ हो गई, एक तो नहीं. तो मैं चाहता हूँ एक वक्त में एक ही करे, तो उसमें मैं रेडियो बटन लगाता हूँ. ठीक है, अच्छा, रेडियो बटन नाम भी निकला है रेडियो से. जो असली रेडियो होता है ना, असली रेडियो में क्या होता है, जो चैनल
देखा किसी ने रेडियो यहाँ पे? सही है, शुक्र है। मैंने भी देखा है, मेरे बचपन में रेडियो मौजूद था, ठीक है। टीवी आ चुका था लेकिन रेडियो भी था। तो रेडियो में क्या होता है, आप एक वक्त में एक ही चैनल को ट्यून कर सकते हैं। अच्छा, होता तो टीवी में भी वही है, लेकिन उस वक्त रेडियो था, रेडियो नाम रखा है, वरना टीवी बटन नाम रख देते बाद में। तो रेडियो में एक वक्त में एक चैनल ट्यून कर सकते हैं। अगर आपने दूसरे पे जाना है तो आपको पहला चैनल छोड़ना पड़ता है। तो इसका बटन गोल जो है ना, वो एक्चुअली रेडियो की नॉब से इंस्पायर हो गया उन्होंने बनाया है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं। चेक बॉक्सेस में भी यूज़र की चॉइस पूछी जा रही है, लेकिन ये कब लगाते हैं हम? मल्टीपल जब हमें चॉइसेस चाहिए होती हैं, जब हम लगाते हैं, ठीक है। चेक बॉक्सेस देखे हैं ना कैसे होते हैं, बस मैं बता रहा हूँ ना, तो सुन लो। खैर हो गई, 5 मिनट है लास्ट के हमारे पास। अच्छा, चेक बॉक्सेस में जब हमारे यूज़र से मल्टीपल चॉइसेस लेने होते हैं, मिसाल के तौर पे यूज़र कोई फ्लावर ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। अब हमारे यहाँ तो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्ट में ये बड़ा कॉमन है कि फ़्लावर की शॉप्स की ना वेबसाइट होती है, आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स को सेलेक्ट करके, और आप कार्ड में क्या लिखना है वो, और कार्ड कौन सा उस पर चिपकाना है, ये सारी डिटेल्स, और कौन कौन से कलर के फ़्लावर्स डालने हैं, कौन से ब्रीड के फ्लावर डालने हैं, वो लिख के, और मैं एक एड्रेस देता हूँ, और वो फ्लावर बना कर उस एड्रेस पर डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमारे यहाँ तो अम्मा अब्बा के साथ रहते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे ये होता है कि लोग 18 साल के होते हैं तो अम्मा अब्बा का घर छोड़ देते हैं। मतलब कोई अगर 18 साल का हो गया या 20 साल का और वो अभी भी अगर अपने अम्मा अब्बा के घर पे रह रहा है, तो लोग उसको बड़ा बुरा समझते हैं, हकीक समझते हैं बहुत। कह रहे यार तू मम, उसको बोलते हैं मॉमीज बॉय है, मम्मीज बॉय है ये भाई, ये मम्मी डैडी जो हम यहाँ पर मम्मी डैडी कहते हैं ना, वो एक्चुअल में वो कहते हैं उसको, कि भाई ये अभी तक अपनी अम्मी के टुकड़ों पर पल रहा है। तो उधर मतलब मर्द उसको समझते हैं जो 18 साल का हुआ, तो अपना घर बनाए, अलग अपना अलग रहे, अपना अलग खाए पिए और माँ को भी खिलाए। वेल तो क्या बता रहा था मैं, वो भूल गया असली। हाँ, तो फ्लावर की बात कर रहा था मैं। तो फ्लावर में अगर मैं फ्लावर्स के लिए कलर पूछ रहा हूँ कि भाई, तो वहाँ पे मेरे पास 6 कलर्स हैं, मिसाल के तौर पर रोज़ के 6 कलर्स हैं मेरे पास, ब्लैक है, वाइट है, पिंक है, रेड है, येलो है, पता नहीं कौन कौन सा है। तो मैं उसमें बोलूँगा कि भाई रेड वाला और वाइट वाला इसमें ऐड कर दो, ठीक है, ये 2 कलर ऐड कर दो। या अगर कोई वेडिंग वगैरह में लेके जा रहे हैं तो उसमें पिंक और येलो भी ऐड कर दो, रेड पिंक और येलो ऐड कर दो, वाइट उसमें नहीं डालो, सही है। तो वो सेलेक्ट करके, मल्टीपल सेलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए बंदे के पास, और वो सेलेक्ट करके वो वहाँ पर ऑर्डर कर दे। तो लोग अपने अम्मा अब्बा को अक्सर वो फूल वूल भेजते रहते हैं, ठीक है, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होता है उसमें फूल वूल इधर उधर भेजते रहते हैं। कहीं शादी पे किसी के जाना है, जा नहीं पाए, तो आप फूल भेज दिया अपनी जगह, ठीक है, तो आपका फूल वहाँ पे उस सर्टेन टाइम पे डिलीवर हो जाता है। तो फ्लावर शॉप्स की एक एग्जांपल मैंने आपको दी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे गाड़ी की हम बुकिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है, चेक बॉक्सेस होते हैं आपके पास कि आपको आफ्टर सेल्स की कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, ठीक है, कि भाई आपको अगर 2 साल का फ्री सर्विस चाहिए तो आप चेक लगा दोगे यार 2 साल की फ्री सर्विस है, आपको अच्छा खासा पैसा चार्ज करेंगे और 2 साल तक जो भी काम करवाओगे वो फ्री होगा, ठीक है। इसी तरह फ़ोन वगैरह में भी होता है, वो एप्पल केयर होता है, एप्पल केयर लगा दो आप तो वो फिर फ्री हो जाता है अगर टूट फूट हो जाए तो, ठीक है। उसके अलावा इंश्योरेंस होता है, चेक लगा दो आप उस पर। अच्छा, फिर आपका जो इसी तरीके से कुछ फीचर्स होते हैं गाड़ी में जो ऑप्शनल होते हैं, आप वो लेना चाहते हैं तो चेक लगाएंगे, नहीं लेना चाहते तो नहीं लगाएंगे आप, तो वहाँ पर चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास एक और है, ड्रॉप डाउन बॉक्स। कौन मुझे बताएगा कि ड्रॉप डाउन बॉक्स कहाँ पर इस्तेमाल होता है? कंट्री सेलेक्ट करते हुए जब बहुत सारे ऑप्शन हो तो मेल फीमेल का ऑप्शन ड्रॉप डाउन में क्यों होगा? रेडियो बटन में होगा। नहीं, क्वेश्चन मेरा ये है कि रेडियो बटन में भी मैं कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ और ड्रॉप डाउन बॉक्स में भी मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये 2 अलग अलग क्यों है? हाँ, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है कि स्पेस की वजह से हम करते हैं, कि रेडियो बटन में 3 या 4 या 5 तक भी रेडियो बटन सही है, ठीक है, लेकिन इमेजिन करें 200 ऑप्शन हैं,
आपसे कंट्री पूछी जा रही है, जैसे दोस्त ने कहा कि कंट्री सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो 200 कंट्रीज हैं, अगर उसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है तो अगर वो रेडियो बटन में बना दिया तो मैस हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है। अच्छा, सिर्फ कंट्री नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे आपको अपने इंस्ट्रक्टर का नाम सेलेक्ट करना है तो इंस्ट्रक्टर अगर एक या दो हैं तो रेडियो बटन चल जाएगा, लेकिन अगर 200 हैं या 10 भी हैं एटलीस्ट, तो लंबे लंबे 10 नाम होंगे तो मैस हो जाएगा वो। तो इस वजह से स्पेस को बचाने के लिए जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं वहाँ पे रेडियो बटन की जगह हम ड्रॉप डाउन बॉक्स लगाते हैं, ठीक है। तो इतना सिंपल सा इसका जवाब है। अच्छा, मेल फीमेल ऑन अदर हैंड कभी भी हम ड्रॉप डाउन में नहीं डालते, हम उसको रेडियो बटन में लगाते हैं, ठीक है। तो रेडियो बटन में एक लगाते हैं मेल फीमेल और एक आजकल, पहले तो बीच में वो बहुत लंबा हो गया था ना, अभी इसका अच्छा हल निकला है, अभी एक तीसरा ऑप्शन होता है नॉन बाइनरी, सही है। नॉन बाइनरी में वो सब आ जाते हैं जितने भी बाकी हैं ना, 4, 5, 6, 8। भाई देखिए, किसी को ये पता है कि जेंडर्स कितने हो गए हैं आजकल दुनिया में? 72 तो बहुत ज़्यादा हो गए। नहीं मतलब 17-18 तक तो मैंने देख लिए हैं, वो एक जगह पे अभी आ गई थी रिक्वायरमेंट तो उसने बोला भाई सारे जेंडर्स चाहिए हमें। हाँ, 17-18 जेंडर्स हो गए अभी, मतलब सेल्फ मेड है वो सारे, असल में तो दो ही है ना, नेचुरल तो दो ही है, नहीं है दो ऐसे नहीं है, इस्लाम में दो ही हैं वो कहते हैं। आपको ये बात अगर नहीं पता किसी को तो आप, मैं आपको इल्म में इजाफा कर देता हूँ, और आप किसी फेवरेट मौलवी से भी पूछ लीजिएगा जो भी आप जिस पर भरोसा करते हैं, कि इस्लाम में जेंडर दो ही है, तीसरा कोई जेंडर नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आप दूर से आ रहे हैं ना जब आप, तो अगर आप मर्द के जैसे दिख रहे हैं तो आप पे मर्दों वाले अहकाम आते हैं और आप मस्जिद जाके नमाज पढ़ेंगे, और अगर दूर से आती है आप खातून दिख रहे हैं तो खातून वाले आप, मतलब ज़ाहिरी खदो खाल के ऊपर, ठीक है। या अगर कोई बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ है तो वो जाके किसी मुफ्ती से पूछ ले कि मेरी जो, यानी मैं किस में दाखिल हूँ, तो वो मुफ्ती आपको बता देगा कि यार आप जो है ना इसमें दाखिल हैं, आप पे ये वाले अहकाम हैं, तो वो वाले सारे आप पे, ठीक है। तो आप अगर दूर से आते हुए आप लड़की जैसे दिख रहे हैं तो आप पे लड़की वाले अहकाम हैं, फिर पर्दा भी करना है आपने और नमाज भी आप लड़की वाले तरीक़ों से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रियल बात बता रहा हूँ, ये हंसने की बात नहीं है ये, ठीक है। वेल, ये मैं क्योंकि ज़ाहिर है कोई इस्लामिक स्कॉलर तो मैं हूँ नहीं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है। तो ये बातें जस्ट एक इल्म में इजाफा करने के लिए, तो आप अपने फेवरेट मौलवी से ये पूछेंगे अल्टीमेटली तो वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो मैंने तो ये मेंबर से सुनी थी बात, मैंने कन्वे कर दी। वेल, तो उसके अलावा हमारे पास फॉर्म में क्या होता है, सबमिट का बटन होता है एक अदद, जिसको दबाया कि आप सबमिट कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक होता है हमारे पास इमेज बटन। सम टाइम ऐसा होता है कि सबमिट के बटन की जगह पे आप कोई फूल पत्ती लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा बटन लगाना चाह रहे हैं जो बटन की शेप का नहीं है बल्कि वो एक स्टार बना हुआ है उसके बीच में सबमिट लिखा हुआ है। तो आप किसी भी इमेज को एज अ सबमिट बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा फाइल अपलोड का हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। ये फाइल अपलोड जब आप बताएंगे ना, अच्छा ये सारे इनपुट हैं, ये सारे इनपुट्स हैं, इसमें टाइप जस्ट चेंज हो रही है। तो टाइप अगर मैं करूँगा ना फाइल, तो ये ऐसा ब्राउज़ का बटन बना हुआ आ जाएगा, और इसको जब आप प्रेस करेंगे ब्राउज़ के बटन को, तो वो आपके कंप्यूटर का फाइल सिस्टम ओपन करके दिखा देगा कि भाई इसमें से कौन सी फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। तो ये हमने फॉर्म का एक ओवरव्यू देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं फॉर्म में, क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं वो पहले से ही आपको पता है, आप सब लोग डेली इंटरनेट के यूज़र हैं। वेल, हमने थोड़ी सी इसको डिटेल में भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्म के चैप्टर को फटाफट कम्प्लीट करेंगे और डिफरेंट फॉर्म्स जो जो होते हैं वो बना के लगा के देख लेंगे। हाँ, वो कोई मसला नहीं है। तो ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में।